ऐसे मेरे मेंटर ने एडवाइस किया था कि थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट रूम में ट्राई करना ताकि कॉम्पिटिशन हो। तब डेडलाइन सो सारी है, तब कैसे प्रेशर हैंडल करना है, और स्पेशली वो लास्ट वीक में जब हम एक्सपेक्ट इतना करते हैं और रिजल्ट अपना यही है। इस बार ये फॉर्म बस एक दिन के लिए ओपन हुआ था। ओके, वो बहुत लोगों ने मिस किया था ये अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव इसमें हमें एक सिंगल क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें हमें आंसर देना था और रीजन भी, अप्रोच क्या यूज़ की, कैसे आंसर फाइंड आउट किया वो करना। एंड बेस्ड ऑन क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सीधा, यूजुअली बड़ी कंपनीज होते हैं वो हमें टाइम देती है सीखने के लिए टेक्नोलॉजी जो भी उनके होती है। तो डेवलपमेंट का रोल वो नहीं है कि टेक्नोलॉजी से, द रोल इज स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, मैं हूँ आदित्य। तो आज दोस्तों मैं एक नए एपिसोड के साथ आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे मंदार पाटिल से। तो मंदार ने अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करी है, तो उसके जर्नी के बारे में आज इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे उसके साथ, एंड उसके चैलेंजेस क्या क्या आए थे उसके इंटर्नशिप में, उसने कैसे प्रिपरेशन की थी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे मंदार के साथ। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तो मिलते हैं मंदार से। तो आओ दोस्तों बात करते हैं मंदार के साथ एंड जानते हैं उसने कैसे इंटरव्यू के अंदर प्रिपरेशन की थी उसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो हाय मंदार। हेलो आदित्य। तो मंदार ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन के साथ, तो प्लीज अपने ऑडियंस को तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदार पाटिल। मैंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में समर इंटर्नशिप कंप्लीट की है, वो इट वाज फ्रॉम जून टू जुलाई। And right now, मैं अभी final year में PPO का wait कर रहा हूँ। Let's see क्या होता है। अच्छा, okay। तो मंदार, तुम्हारा पूरा interview process के बारे में discussion तो चलता रहेगा, but start करते तुम्हारा job role क्या था इस internship के अंदर? Okay, so basically my role was software engineer intern. I was in the Azure team, and I was given a project intern tool. I was supposed to extend the internal tool, so I wasn't able to talk more about its working. But overall, I was working on both front end as well as back end. Okay, तो इसके अंदर cloud भी include था, जैसे तुमने बोला Microsoft Azure था, तो तुम्हारे इस training के द्वारा? Cloud include था, उसके features included थे। Okay, अच्छा, तो तो ये इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप तुम्हें कहाँ से मिली। जैसे कि मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का एक प्रोग्राम रहता है, तो ये तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में तो बोलेंगे, बट ये इंटर्नशिप कैसे लगी तुम्हें, किसके बारे में बोलते, तो ये जरा बताना ये इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या था। ओके, सो अभी मेंशन किया माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, सो माइक्रोसॉफ्ट एंगेज एक मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ब्रांच का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीवन कैन जॉइन। उसमें हमें हमारे टाइम पे तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उस पर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। वी आर गिवन 4 वीक्स विद अ माइक्रोसॉफ्ट मेंटर, सो उसकी गाइडेंस होती है। एंड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फाइनल डेमो यू आर सिलेक्टेड फॉर डायरेक्ट इंटर्नशिप और फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। एंड वो यूजुअली 2 अगस्त में होता है, बट इस साल उन्होंने कंडक्ट नहीं किया। तो रिसेशन की वजह से ऐसा कुछ है? रिसेशन एंड बेसिकली बजट थोड़ा कम। तो तूने जैसे मेंशन किया अभी मंदार कि ये सेकंड ईयर के अंदर आती है, तो ये सेकंड ईयर वालों के लिए रहता है कि ऐसा कुछ नहीं, ईयर वाइज थर्ड ईयर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फॉर सेकंड ईयर। ओके, अच्छा, ये सेकेंडरी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप? हाँ। ओके, तो ये कहाँ से पता चला था, जैसे कि कई कॉलेजेस के अंदर पता नहीं होता कि एंगेज प्रोग्राम भी होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी रहती है इतनी बड़ी, तो ये कहाँ से पता चला तुम्हें? लकीली मुझे मेरे दोस्तों से पता चला था, और प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इस बार ये फॉर्म बस एक दिन के लिए ओपन हुआ था। ओके, तो बहुत लोगों ने मिस किया था ये अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो बिकॉज एक दिन के लिए था तो वेबसाइट भी स्लो हो गई थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। मेरा लकी लास्ट बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं रात में हुआ था, लेट नाइट में। अच्छा,
दोस्तों से पता चला था, कुछ कॉलेजेस में खुद से इन्फॉर्म किया था, लाइक कमिंस कॉलेज में खुद से कॉलेज ने इन्फॉर्म किया था, स्टे कनेक्टेड विद कॉलेज एंड फ्रेंड्स। तो ये कौन से महीने में अंदर मतलब ये फॉर्म ओपन हुआ था? फॉर्म ही अप्रैल में ओपन हुआ था, यूजुअली अप्रैल 2022 में, या अप्रैल में ओपन हो जाता है या जून जुलाई में। उनकी वेबसाइट होती है Engage 2020, basically whichever year it is, so उस पे सब टाइमलाइन आ जाता है। अच्छा, तो तुमने फॉर्म भरा, फिर उसके बाद में तुम्हारा हैकाथॉन हुआ था, राइट? हैकाथॉन नो, एक्चुअली आफ्टर फॉर्म देयर वाज वन रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड, उसके बेस में फर्स्ट कोडिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, कोडिंग टेस्ट नहीं, एमसीक्यू टेस्ट। एंड फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट के बाद और एक टेस्ट हुई थी सब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें हमें एक सिंगल क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें हमें आंसर देना था और रीजन भी, अप्रोच क्या यूज की, कैसे आंसर फाइंड आउट किया, वो भी बताना था। एंड बेस्ड ऑन दैट सम स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, तो एमसीक्यू जो तूने अभी मेंशन किया, एमसीक्यू के अंदर कोर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस थे कि एप्टीट्यूड ये सब सब था उसके अंदर? डीएसए बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली डीएसए। ओके, डीएसए तो मतलब एक कोडिंग राउंड की जैसे होगा, बस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस, आउटपुट बेस्ड। ओके, हां बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि बस कोड दे दे कि इसका आउटपुट होगा, ग्राफ के क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। अच्छा, सॉल्व भी करने थे मतलब। ओके, देन सब्जेक्टिव के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पजल टाइप क्वेश्चन? ओके, और तो ये ऑनलाइन था पूरा राउंड? हाँ, ऑनलाइन। कौन से प्लेटफॉर्म पे मतलब उन्होंने मेंशन कुछ किया था? उनके इनपुट की वेबसाइट विजिट करना है, एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव राउंड। ओके, देन तुम्हारा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग हो गया, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है थोड़ा विस्तार से बताना अपने ऑडियंस को। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने मेंशन किया था, मुझे तीन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स मिली थी, एक था फेस रिकॉग्निशन, एक डेटा एनालिस्ट पे था, एंड एक था अल्गोरिदम बेस्ड। मेरा ए आई एंड एम एल इतना डोमेन नहीं है, सो आई वेंट विद द अल्गोरिदम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसमें हमें एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना था, सो यू कैन सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ रिकमेंडेशन, दैट्स योर चॉइस। सो आई वेंट विद जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम, क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक था। यूजुअली व्हाट कम्स इन योर माइंड इज मूवी रिकमेंडेशन, बुक रिकमेंडेशन, बट फिर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है, राइट? इसलिए सो थोड़ा हट के ट्राई किया, ऐसे मेरे मेंटर ने एडवाइस किया था कि थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट डोमेन ट्राई करना ताकि कॉम्पिटिशन कम हो। सो साइमल्टेनियसली हमारे मेंटर के साथ मीटिंग होती थी कि क्या अपडेट है, वो टेक्निकली हेल्प नहीं कर सकते थे, उनको वो रेस्ट्रिक्शन था, बट दे यूज्ड टू एडवाइस कि हाउ वी शुड अप्रोच अ प्रॉब्लम, कहीं फंसता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एडवाइसेस। एंड ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ वेब वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज की थी कि ये टेक्नोलॉजी, ये डीएसए, बेसिक डीएसए कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। सो चार वीक्स में सब ने प्रोजेक्ट पर काम किया, एंड लास्ट के दिन हमें अराउंड आई गेस 4 मिनट की एक डेमो वीडियो भेजनी होती द वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल द ओवरव्यू ऑफ इट इफ रिक्वायर्ड। ऑल्सो वी हैव टू शेयर द कोड बेस लिंक, and if we have deployed it anywhere, we have to share the links as well. तो ये कितने कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस फॉर मेंटरशिप का प्रोजेक्ट? 4 वीक, 1 month। ओके, अच्छा, तो इसके बाद में उन्होंने फिर से शॉर्टलिस्टिंग किया इंटरव्यू प्रोसेस के लिए? हाँ, कुछ लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप भी मिल गई बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा, पर मुझे इंटरव्यू के लिए मिला है कि एक ऐसे इतने ड्यूरेशन में आपका एक इंटरव्यू होगा। अच्छा, तो इसके बाद में कई लोगों का इंटर्नशिप के लिए डायरेक्ट हो गया, तो उनको मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए ले मतलब लिया होगा उनके डोमेन के हिसाब से, या तो तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस कब हुआ था और कैसे हुआ था वो जरा बताना। जो बस एक रात मेल आ गया कि आपका एक महीने में, एक्चुअली डेट स्पेसिफाई नहीं की थी पहले। अच्छा, जस्ट दे जस्ट मेंशन यू विल सून गेट अ मीट लिंक फॉर इंटरव्यू,
बट फिर वो ड्यूरेशन फिक्स नहीं था. कुछ लोगों को टेस्टिंग में आ गया और कुछ लोगों को 2 महीने लग गए इंटरव्यू के लिए. सो आई गॉट इंटरव्यू इनवाइट अराउंड 1 मंथ. But they informed us around 2 to 3 days before, and they even asked if we are comfortable on that particular date or not. So first round हुआ around 1 महीने के बाद after the mentorship program. अच्छा. And first round was basically purely based on DSA. I was asked a single DSA question. और उसमें भी तो या continue. तो उसमें भी उन्होंने एक आईडी लिंक शेयर की थी. उसमें फिर ऑटो फिल वगैरह कुछ नहीं था. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन था वहाँ, जैसे हमें लीड कोड में दिया जाता है, टेस्ट केसेस एग्जांपल्स सब मेंशन थे, एंड देन द इंटरव्यूअर टोल्ड मी टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो पहला राउंड पूरा डीएसए के ऊपर ही था. हाँ, तो उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे एक टॉपिक मेंशन कर सकते हो? For me, it was binary search. Question was based on my binary search, and it was a medium level question. Binary search, okay. तो मुझे बस ये पूछना था कि mentorship जब program चालू था, तब उसके अंदर mentor के साथ एक communication maintain करना बहुत जरूरी होता है. Right. ऐसे programs के अंदर. तो वो तुम्हें कैसा experience था mentor के साथ? तुम्हारा कैसे communication होता था उसके साथ? वो कैसे मतलब मदद करते थे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के अंदर? यूजुअली मेंटर के अंदर कई सारे इंटर्न्स थे, मैं अकेला नहीं था. ओके, इंडिविजुअल नहीं था, एक देयर वर ग्रुप ऑफ इंटर्न्स अंडर मेंटर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अंडर. फिर वो खुद से एक मीट अरेंज करते थे, लाइक अराउंड 3 मीट्स अरेंज की होगी हमारे इस 4 वीक के अंदर. एंड कभी अगर खुद से कुछ प्रॉब्लम हो तो हम ग्रुप में डाल सकते हैं या इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं. एंड अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम इंडिविजुअल मीट भी ले सकते हैं मेंटर से. ओके, अच्छा. तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया था कि एकदम नया माहौल है माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर अपन एक मेंटर के अंदर काम कर रहे, तो प्रेशर नहीं आया था कैसे काम होगा कैसे होगा? और तुम्हारे स्किल्स के बारे में भी तुम्हें मेंशन करो कि तुमने स्किल्स कौन से ऊपर इसमें काम किया था, लाइक इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन से स्किल यूज किए थे? सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रेशर के ऊपर. प्रेशर तो था लेकिन उसी के लिए मेंटर था, कैसे रिलैक्स रहना है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब डेडलाइन क्लोज आ रही है तब कैसे प्रेशर हैंडल करना है, और स्पेशली वो लास्ट वीक में जब हम एक्सपेक्ट इतना करते हैं और रिजल्ट अब तक यही है, तब वो प्रेशर हैंडल करना डिफिकल्ट था, लेकिन हो गया. जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो था. एंड टेक्स्ट स्टैक में मैं एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग था, दैट्स व्हाई आई वेंट विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई क्रिएटेड अ वेबसाइट बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट नोड.js एक्सप्रेस. ओके, तो पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे टीम ने कितने दिनों में, 1 महीने के अंदर किया, राइट? तो तुम्हारा उसमें रोल क्या था? इट वॉज इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, टीम नहीं थी. ओके, इंडिविजुअल लेवल था प्रोजेक्ट. अच्छा, ओके. देन तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, राइट? तो इंटरव्यू कितने राउंड हुए थे तुम्हारे? मेरे 2 राउंड्स हुए. सबके वैरी करते हैं, कुछ लोगों को फर्स्ट राउंड के बाद ही ऑफर आ गया, और कुछ लोगों को 3 राउंड्स भी हुए शायद, नॉट श्योर अबाउट दैट. तो तुम्हारे फर्स्ट राउंड के अंदर डीएससी हुआ था, तो सेकेंड राउंड के अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट वगैरह पूछे गए थे कि वो भी डीएसए राउंड ही होगा? सेकंड राउंड भी डीएसए था, बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड था सेकंड राउंड. सेकंड राउंड में मुझे पूछा गया था कि मैं कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, कोडिंग लैंग्वेज में. आई वाज कंफर्टेबल विद C++, सो ही आस्क्ड मी क्वेश्चन बेस्ड ऑन C++, पॉइंटर क्वेश्चन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड लिटिल बिट अबाउट OS. ओके, मतलब उसके अंदर कोर फंडामेंटल्स अपने सब्जेक्ट भी पूछे गए थे, कोर सब्जेक्ट्स? यस, OS. अच्छा, कुछ OS के क्वेश्चंस ऐसे कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे वही पूछे गए थे कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए थे? ये सेकेंड ईयर था इसलिए थोड़ा लाइट ही था. अच्छा, हाँ, एक्जैक्टली, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर इतना कोर सब्जेक्ट कोई पढ़ता भी नहीं है.
तो सीएन वगैरह वो सब पूछे गए थे? सीएन नहीं पूछे गए थे, उप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उप्स तो मैंडेटरी होता है इंटरव्यूज के अंदर। हाँ, एंड प्लस एक इंटरेस्टिंग बात थी कि सेकेंड राउंड में मुझे गूगल शीट दिया था, सो कुछ बस यहाँ बोल दिया था ये कोड करो बस। सो कुछ आइडिया ऐसे, जैसे फर्स्ट राउंड में प्रॉपर एक डीएसए का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो ऐसा कुछ स्टक पॉइंट था कि जहाँ पर ऐसे लगा कि मतलब ये क्वेश्चन अब नहीं हो पा रहा है तो कैसे करूँ? हाँ, ये तो बहुत, इवन फर्स्ट राउंड में भी ऐसा हुआ था, मुझे एक हिंट लगा था सॉल्व करने में, एंड सेकेंड राउंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं आया, तो आई जस्ट सेड कि मुझे अभी इसमें थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा ऑनेस्ट भी देखते इंटरव्यूअर कि अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो भी चलेगा, बट मतलब तुम्हारा लर्निंग का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो माइंडसेट है वो दिखता है उससे। मोस्टली दे फोकस ऑन हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। हाँ, एग्जैक्टली। तो तुम्हारे सेकंड इंटरव्यू के अंदर कोर फंडामेंटल्स वगैरह हुए थे, तो इसके बाद में कुछ एचआर के क्वेश्चंस भी आए थे कि एचआर राउंड उन्होंने स्किप कर दिया था? एचआर राउंड उन्होंने स्किप कर दिया बिकॉज़ इट वाज जस्ट फॉर इंटर्नशिप, राइट? राइट। तो इसके बाद में फिर रिजल्ट आ गया, उसके लिए कितने दिन लगे थे रिजल्ट आने में? रिजल्ट आने में एक वीक के अंदर आ गया था। माय इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू वाज अराउंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे नाइट को अराउंड 12 o'clock आई गॉट द मेल। अच्छा, तो ये मतलब सुन के कैसा लगा था जब माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप लगी है, तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था उसके ऊपर? सपना तो नहीं देख रहा। एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ी बात होगी एक्चुअली, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है। राइट। तो तुम्हारे प्रिपरेशन के बारे में बोलते हैं कि अब तुम्हारे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किए थे और कब से स्टार्ट किए थे? जैसे तूने मेंशन किया कि मंथ तक तुम्हारा अच्छा खासा है, तो डेवलपमेंट के अंदर भी तुमने कब स्टार्ट किया था? ठीक है, बेसिकली कोडिंग मेरी 11th से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, तो उसमें बस तब ऐसे डीए से कुछ नहीं होता था, बस C++ से फैमिलियर हो गया था 11th में, एंड देन फर्स्ट ईयर तो अपना ऑनलाइन ही था, सो तब डीए से स्टार्ट किया था। तब मैं बेसिक डीएसए के कोर्स कर रहा था, एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बस नया था, कुछ आता था नहीं था, बस ट्राई कर रहा था। एंड सेकेंड ईयर में मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की, मैंने एक कोर्स ही कम्प्लीट कर दिया यूडेमी का, मन स्टैक का। फिर वहाँ एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ कोर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट हो गया था, एंड बाद में मैंने खुद से एक दो प्रोजेक्ट हो गया था, सो आई वॉज कम्फर्टेबल इन दैट टेक्सटाइल, एंड बाई दैट टाइम थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी थोड़ा अच्छा हाथ पड़ गया था, ठीक था, एकदम परफेक्ट नहीं लेकिन हो गया था। अब प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना था वो समझ आ गया था। तो बहुत लोगों को लगता है कि डीएसए और कॉम्पिटिटिव एक अलग अलग होता है, तो तुम्हारा इस पर क्या कहना है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए? अपने पजल्स को तुम खुद से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, या किसी कॉम्पिटिशन में जाओ करो, ज्यादा डिफरेंस नहीं, राइट? इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेस्टिंग यू, कंपेयरिंग, सीइंग वेयर यू स्टैंड बिटवीन अदर स्टूडेंट्स, राइट? एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसा मैं यूजुअली फन के लिए करता था, ऐसे कंपल्सरी नहीं है, मजा आता है थोड़ा। कंपटीशन से एक अपने को कंपटीशन से क्या होता है कि एक आदत लग जाती है कि खुद को इम्प्रूव करने की, राइट? फिर कॉमन जब भी कॉन्टेस्ट वगैरह देते हैं तो भी उसे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। एग्जैक्टली। तो अपने खुद को एनालिसिस हो जाता है वो। तो तूने कितने कॉन्टेस्ट दे मंदर ऐसे, तूने मतलब कॉन्टेस्ट देते थे कोड शेप लिप कोड हो गया ऐसे? मैं कोड शेप पे था, तो उसका वीकली कॉन्टेस्ट नहीं होता, हाँ शायद याद नहीं है मुझे, वीकली होता है। उनके टीम थे, एंड देन मंथ में शायद एक बार होने वाला कॉम्पिटिशन वगैरह, तीन कैटेगरीज थी उनकी, तो उसके लिए तो मैं देखा
लाइक अटेंड तो सब करता था क्योंकि क्या है, अटेंड करने में क्या जाता है, वो तो है. बट कोर्टशिप का थोड़ा टाइमिंग थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि वो डिनर के टाइम में आता था, वो आई गेस 8 से 11 तक होता था. सो एक घंटा तो डिनर, वो 3 घंटे का रहता है वैसे भी. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट लीड कोर्ट का टाइमिंग शायद बेटर है कोर्टशिप से. तो तुमने स्टार्ट कोर्टशिप से किया था डायरेक्टली? हाँ. बट बिगिनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट लीड कोर्ट इज बेटर. तो तुम्हारे डीएसए प्रिपरेशन को कितने तुमने टाइम दिया था? टाइम दिया था एक फर्स्ट ईयर में मेरा डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कवर हो गए थे, ग्राफ्स वगैरह नहीं लेकिन बेसिक जो फर्स्ट ईयर में एरे स्ट्रिंग लिंक लिस्ट वगैरह कंफर्टेबल हो गया था. एंड कोर्टशिप में भी बेसिकली जो डिवीजन 4 के होते हैं या डिवीजन 3 के होते हैं उसमें स्टार्टिंग में एरे और स्ट्रिंग पे ही क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ्स वगैरह होता नहीं. तो फर्स्ट ईयर में वो एरिया कवर हो गया था एंड सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड डूइंग ग्राफ्स के क्वेश्चंस एंड ऑल. फिर उसके लिए फिर मैं लीड कोर्ट पे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे अच्छे ग्राफ के क्वेश्चंस थे. तो मतलब एक साल तूने पूरा मतलब डीएसए के ऊपर दिया था, तो डीएसए और डेवलपमेंट को कैसे मैनेज किया? क्योंकि कॉलेज का भी प्रेशर रहता है, कॉलेज के एग्जाम्स रहते हैं, तो उन सबके अंदर कैसे मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? फर्स्ट ईयर में मेरा मोस्टली पूरा जो एम था वो डीएसए पे था एंड फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन कॉलेज थी तो तब इतना प्रेशर नहीं था, इवन यू नो दैट. इसलिए मुझे तब टाइम मिल गया था. एंड सेकेंड ईयर में मैं डिवाइड करता था, मैं थोड़ा डेवलपमेंट पे शिफ्ट हुआ और डीएसए के लिए बस कॉम्पिटेटिव कोडिंग करता था. और डीएसए की एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो अपने प्रोजेक्ट में ही वेब डेवलपमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर वहीं से प्रैक्टिस हो गई. तो तुम्हारे इस पूरे थर्ड ईयर के अंदर तूने कितने मतलब हैकाथॉन्स वगैरह दिए होंगे, तो उन हैकाथॉन्स का कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि जब डेवलपमेंट के अंदर जैसे कि हम बोलते हैं कि हैकाथॉन्स देने चाहिए, वहाँ से डेवलपमेंट को एक बूस्ट मिलता है अपने को, मतलब कैसे डेवलपमेंट करनी होती है, कैसे लोग करते हैं, तो तुम्हारे हैकाथॉन के इस जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सेकेंड ईयर में शायद, सेकेंड ईयर में सबसे पहले कॉलेज में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का फ्रेज था. तो उसमें कैसा होता है, फर्स्ट वी हैव अ इंटरनल हैकाथॉन व्हिच इज बेसिकली अ कॉलेज लेवल हैकाथॉन जिसमें से 5 से 6 टीम सिलेक्ट होती है फॉर रजिस्टरिंग इन द फाइनल हैकाथॉन. तो तब हमारा हो गया था इंटरनल हैकाथॉन क्लियर कर दिया था, इतना पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं मिला था लेकिन हाँ हो गया था. एंड फिर उसके बाद SIH का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग गया था, अराउंड 6 मंथ्स. इस पीरियड में मेरा वो इंटरव्यू प्रोसेस हो गया था माइक्रोसॉफ्ट. अच्छा. और उसके बीच में फिर हमने एक और एक हैकाथॉन की थी, ISA की एक हैकाथॉन थी, कॉलेज लेवल हैकाथॉन. वो लाइक फर्स्ट हैकाथॉन थी जिसमें हम एक्चुअल में वहाँ गए और कोड किया, सो एक्साइटिंग था. एंड वी वर थर्ड रनर अप इन दैट हैकाथॉन. After that, around after 6 months of SIH intern hackathon, we got the result that we are selected for a final hackathon, which will be conducted in Andhra Pradesh. So we went there. It was a 32-hour hackathon. फिर हैकेथॉन का कैसे होता है कि जो प्रेशर आता है ना, प्रेशर में काम करना वो सीख जाते हैं, प्लस टीम वर्क वो बहुत है. लाइक डेवलपमेंट का मेन गोल क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सीधा, यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होते हैं वो तुम्हें टाइम देती है सीखने के लिए टेक्नोलॉजी जो भी उनके होते हैं. तो डेवलपमेंट का गोल वो नहीं है कि तुम टेक्नोलॉजी सीखो, द रोल इज हाउ टू यू वर्क इन अ टीम, हाउ टू यू वर्क, हाउ टू यू लाइक व्हाट कैन आई से, प्रोजेक्ट को लाइक हैंडल कैसे करते हो, टीम में कैसे डिवाइड करते हो, फिर वापस वो मर्ज कैसे करते हो सबका काम, वो सब सीखना होता है. एंड हैकेथॉन में ये सब तो होता है प्लस प्रेशर होता है वो. मेन फन. हाँ वो तो है, एक कंपटीशन का आइडिया भी लग जाती है कि कैसे लोग करते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, कैसे उनकी स्ट्रेटजी रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच कैसे करते हैं लोग, वो भी समझते. तो अपने को पता है जैसे कि इंटरव्यूज के अंदर रिज्यूमे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है,
तो तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर कौन से स्किल्स मेंशन थे और कौन से प्रोजेक्ट को तूने हायर प्रायोरिटी में वहाँ पर रखा था, तो वो जरा बताना। ओके, सो रिज्यूमे तो इम्पोर्टेंट है, ये राइट है, क्योंकि इवन इन द एंगेज प्रोग्राम द फर्स्ट राउंड वाज द इंटरव्यू स्क्रीनिंग, सो रिज्यूमे के बेस पे सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट राउंड। एंड मेरे रिज्यूमे में एक्चुअली मेरा रिज्यूमे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे करता हूँ, तो मैंने खुद से एक इलास्ट्रेटर पे एक कस्टम रिज्यूमे बनाया था, वो एक रिस्क भी होता है लेकिन ट्राई कर सकते हैं। एंड स्किल्स में मैंने मेंशन किया था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है मुझे, इवन लाइक अगर मीडियम लेवल होगा तो यू कैन ऐड देम। एंड प्लस वेब टेक्नोलॉजी में मेरा मन स्टैक था, प्लस पाइथन में जैंगो एंड फ्लास्क वाज आल्सो आई वाज कंफर्टेबल इन दैट, वो मेंशन किया था। एंड प्रोजेक्ट्स में मैंने जो कोर्स में किया था, एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट डाला था, एक एल्गोरिथम का प्रोजेक्ट डाला था, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस विजुअलाइजिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हां, विजुअलाइजिंग। तो लाइक मैंने फोकस किया था कि डिफरेंट टेक स्टैक मेंशन हो, मैंने एक पाइथन का प्रोजेक्ट डाला फॉर विजुअलाइजिंग दैट, उसमें क्या समझ आया कि मुझे पाइथन आता है प्लस मुझे एल्गोरिथम का थोड़ा सा नॉलेज है। उसके बाद मैंने वेबसाइट का प्रोजेक्ट डाला, वो था मन स्टैक का, फिर उसमें वो समझ आया वेब डेवलपमेंट आता है प्लस ये मन स्टैक आता है, फिर ऐसी वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट ट्राई किए मैंने, ऐसी सेम कैटेगरीज के नहीं पाए, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो तुम्हारा एक इंप्रेशन वहाँ पे पड़ा कि इसको हर एक डोमेन का एक नॉलेज है, हर एक लैंग्वेज में इसने ट्राई तो किया है। हाँ, मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल डोमेन, राइट। तो तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर कोई ऐसा मतलब कॉलेज के फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं क्लब्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्लब्स के कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम्हारे क्लब की जर्नी क्या थी, तुम्हें कौन से क्लब के अंदर थे कॉलेज के? लाइक आई वाज इन सोशल वेलफेयर क्लब, इसमें मैं स्टार्टिंग में उसमें फिर मैंने रिज्यूमे में अपना जर्नी दिखाया था, आई वाज फर्स्ट अ ग्राफिक डिजाइनर कोऑर्डिनेटर, देन आई बिकेम अ सेक्रेटरी एंड देन आई बिकेम अ ब्रांडिंग हेड, तो उसमें से अपनी लीडरशिप स्किल्स सीखती है और कैसे यू आर स्टिक टू वन क्लब एंड ऑल्सो, फिर वो तो हो गया नॉन टेक्निकल स्किल, फिर टेक्निकल स्किल आई वॉज इन द जी डी एस सी एज वेल, फिर उसमें मैं वेब डेवलपर था, फिर वो एक अलग दिखा कि एक टेक्निकल रोल किया, एक नॉन टेक्निकल रोल किया, एंड प्लस कॉलेज के कॉम्पिटिशन, फिर उसमें मैं कोडिंग कॉन्टेस्ट में आता था तो वो दिखा, और जैसे मैंने मेंशन किया था एक आई से हैकेथॉन जो कॉलेज लेवल था तो वो भी मेंशन। हाँ, अच्छा, तो मतलब कॉम्पिटिशन, तुम्हारे क्लब के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन सबको मेंशन करना जरूरी होता है रिज्यूमे के अंदर। या लाइक फिर वो सॉफ्ट स्किल्स दिखते हैं कि तुम्हारे पास बस टेक्निकल स्किल्स नहीं, क्योंकि एज अ कंपनी तुम्हें बस कोडिंग नहीं करनी होती, तुम्हें मीट्स अटेंड करने होते हैं, स्क्रम मीटिंग्स, फिर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है, क्लाइंट से प्रोजेक्ट समझना होता है, सो सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मेंशन करना इम्पोर्टेंट। राइट, तो तुम्हारा रिज्यूमे के बारे में हो गया, तो अब मुझे बस ये बोलना था कि कुछ टिप्स अगर आपने जूनियर्स को, जैसे तुमने इतना तुम्हारी इंटर्नशिप के जो प्रिपरेशन थी उसके लिए तुमने क्या क्या स्ट्रगल किया जो कि बाकी लोगों को ना हो ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसे कुछ टिप्स अगर आपने थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को, तो फिर जो जूनियर्स अभी आने वाले हैं कैंपस के लिए, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह। तो फर्स्ट टिप होगी कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास टाइम कम है, कभी भी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट कर दो। अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो तुम सोचो कि एक साल वेस्ट होगा, थर्ड ईयर में होगी तो तुम सोचो कि दो साल वेस्ट होगा, बट ऑनेस्टली बीए से इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें 2 महीना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है और तुम लाइक एवरेज लेवल के आगे आ जाओगे अगर कंसिस्टेंसी रखे तो। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो ऐसा मत समझो कि एक कुछ 6 महीने डी ए सी किया, 6 महीने वेब डेवलपमेंट किया, ऐसे नहीं चलेगा, ये सब तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, एंड वेब डेवलपमेंट शुड बी साइमल्टेनियसली, वो एक्टिव होगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजॉय करो, स्ट्रगल मत करो, इतना फन है, बाद में याद आएगा ये सब कैसे था। एक्चुअली बैचलर्स लाइफ के अंदर थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ी मजा होती है, थोड़ा पढ़ाई करने होती है, वो सब कॉम्बो अपने को करना पड़ता है। यस, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, घूमो, पार्टिसिपेट करो, हैकेथॉन में जाओ, टाइम पास करो।
तो मंदार, तुम्हारे साथ बात करके बहुत मज़ा आया आज। मंदार ने पूरे उसने जर्नी को कैसे उसने फेस किया, कैसे उसकी इंटरव्यू प्रोसेस थी, कैसे उसने प्रिपरेशन की, उस सभी तमाम चीज़ों के बारे में मंदार ने आज हमारे साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच मंदार। थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप हेल्पफुल। या एब्सोल्युटली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू मंदार। बाय बाय गाइस, थैंक यू आदित्य।